हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमफली की बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी बिना मसाले का। तो चलिए फिर आज हम सेमफली की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सेमफली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सेमफली विंटर सीजन की सब्ज़ी है, ये विंटर में ही अवेलेबल होता है, बाकी के सीज़न में ये नहीं मिलते हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सेमफली को ले लिया है, इसे हमने अभी गार्डन से तोड़ करके ले आया है। हमने अपने गार्डन में ये वाली सेमफली उगाई हुई है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एकदम फ्रेश सेमफली हमने लिया हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी सेमफली जो आपके यहाँ अवेलेबल हो या मार्केट में जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इसकी सब्ज़ी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सबसे पहले इसे छील लेते हैं। दोनों साइड में इसके रेशे होते हैं, कोई भी सेमफली हो उसमें रेशा होता ही है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से पहले रेशे को निकाल करके रेडी कर लेना है, नहीं तो ये सब्ज़ी के टेस्ट को ख़राब कर देता है। अब इसे हम वॉश करेंगे और इसे दो पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट करके रेडी कर लिया है। हम आ गए हैं किचन में, यहाँ पर हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के ऑयल में बनी हुई सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे जीरा, चटकने देंगे, डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, लच्छों में कटा हुआ प्याज डालेंगे इस तरीके से। अब इन्हें हम 2 मिनट भून लेंगे। हमने इसे भून लिया है 2 मिनट। अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा हमने कट करके डाल दिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को डाल करके 1 मिनट हम फिर से इन्हें हम भूनेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, यहाँ पर हमने इसे भून लिया है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम लो कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ सेम फली जो हमने कट करके रखा है। फटाफट से हम मसाले के अंदर इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए 2 मिनट इन्हें हम भूनेंगे। हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें हल्का सा मसाला ऐड कर रहे हैं, एकदम नाम मात्र का हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच हम डाल दिए हैं धनिया पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है, बहुत ही कम तीखा होता है। हमने इसमें डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सारी मसालों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मिला लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे, 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है, यहाँ पर हम इसे चला देते हैं एक बार। यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पे रखना है, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा सेमफली। फिर से कवर करेंगे, फिर से हम इन्हें पकाएंगे। इसे हमें 50% पका लेना है, बीच बीच में 1-2 बार हम चला देंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये 50% लगभग पक चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा स्थान बना दिए हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 देसी टमाटर। देसी टमाटर बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता का डंठल। यहाँ पर हमने डंठल को अलग से कट करके रखा है, इसे हम डाल देते हैं। ये इसका फ्लेवर सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर अब हम ऐसे इसे कवर कर देंगे, पकने देंगे। हमने इसे 2 मिनट पका लिया है, टमाटर भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। बहुत ही जूसी टमाटर था, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है, तो हम इसे 2 मिनट खुला ही पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सूख जाए, क्योंकि हम इसकी भुजिया बना रहे हैं टमाटर और सेम की। यहाँ पर हमने इसे सुखा लिया है, ये सूख गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। सेमफली की भुजिया स्वादिष्ट चटपटी सब्जी बन करके रेडी हो गई है। अब इसे रोटी पराठा के साथ सर्व किया जा सकता है। देखा ना हमने कितने कम मसालों से इसे रेडी किया हुआ है।
नाम मात्र का मसाला हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आप मसालेदार पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने मनपसंद का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।